हेलो फ्रेंड्स, आपका सीपाई में स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डाउट्स के ऊपर। कुछ छोटे छोटे 10th क्लास के कुछ टॉपिक हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। पहला जो डाउट आया है, उस डाउट का नाम है फंक्शनल ग्रुप। पहले वाले का नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप उन्होंने पूछा हुआ है और बोला है कि सर फंक्शनल ग्रुप को याद कैसे करना है। ठीक है, तो याद करने का ना एक तरीका है। पहले ना मैं सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके नाम और उनके स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सबसे पहला होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और जो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, दूसरा होता है आपका सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड है ना, ये होता है एस डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और ओ माइनस। ठीक है ना, ये तो हो गया सल्फेट है ना, ये एच। ठीक है, उसके बाद होता है आपका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड। और ये जो एनहाइड्राइड होता है इसके आगे देखें, दूसरा होता है आपका ईस्टर होता है ना, ईस्टर होता है। उसके बाद होता है आपका एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड होता है, एसिड हैलाइड। उसके बाद आपके पास होता है अमाइड होता है ना, अमाइड होता है। उसके बाद होता है साइनाइड होता है, साइनाइड होता है। उसके बाद होता है आइसोसाइनाइड होता है, आइसो साइनाइड होता है। एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है ना, हमारे पास होता है एल्डिहाइड भी होता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक पार्टीशन ले लेते हैं। एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, कीटोन होता है ना, और एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है, अमाइन होता है। ठीक है ना, और अनसेचुरेशन भी होता है। क्या होता है? अनसेचुरेशन। इतने आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, एनहाइड्राइड कौन से होते हैं? देखो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी कुछ होगा है ना। एस्टर कौन से होते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ आर किस्म के होते हैं। एसिड हैलाइड होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल होते हैं है ना। ये अच्छा, एसिड हैलाइड है ना, ओ सी एल है ना, ये इस टाइप से है ना। ये तो आपका एसाइल क्लोराइड टाइप का हो गया। ठीक है, अमाइड होते हैं आपके सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू होते हैं। साइनाइड होते हैं आपके, आपके साइनाइड होते हैं आर सी एन होते हैं, आर सी एन होते हैं। और आइसोसाइनाइड होते हैं आर एन सी होते हैं, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी है ना। और अमीन जो होते हैं आपके वो होते हैं, सॉरी, उसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है, कीटोन होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और एल्कोहल होता है ओ एच, अमाइन होता है, अच्छा अमाइन हम लोगों ने लिख लिया, अमाइन होता है एन एच टू होता है, डैश एन एच टू। अनसेचुरेशन के अंदर डबल बॉन्ड आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं। ठीक है, अब ना इनको याद करने का तरीका क्या है उसको देखते हैं। देखो पहले में ना आप कार्बोक्सिलिक एसिड से ना कार याद करो, कार। ठीक है, सल्फोनिक एसिड से याद करो सलमान, सलमान, कार सलमान। उसके बाद एनहाइड्राइड से आने, आने। एस्टर से, एस्टर में ना एक खुशबू होती है, इसमें ना खुशबू लिख सकते हो फलों की खुशबू, फलों की खुशबू। ठीक है ना, और आपका एसिड हैलाइड होता है, तो एसिड हैलाइड ने ऐसे हैलाइड, इसको ना आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे ऐसे हैलाइड, ऐसे हैलाइड। ठीक है, ठीक है, अच्छा। उसके बाद आप और कर सकते हो, जैसे
आर एन एस टू को बोल सकते हो, ये क्या है, अमाइड है, तो अमरूद बोल दो इसको, है ना, अमरूद, अमरूद। साइनाइड को क्या बोल सकते हैं आप, जहरीले, क्या बोल सकते हैं, जहरीले, क्यों बोला है वो बताऊंगा मैं। आइसोसाइनाइड को आप बोल सकते हो मर गया, है ना, अच्छा ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे जहरीले, है ना, आइसोसाइनाइड है तो ऐसे जहरीले, जहरीले, ठीक है। उसके बाद आप एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बोल सकते हो, ऑल वन बोल सकते हो इसको, ऑल, इसको वन बोल सकते हो, है ना। उसके बाद एल्कोहल को तो एल्कोहल ही बोल देंगे, एल्कोहल, ठीक है। अमाइन को, अमाइन को आप अमीन बोल सकते हो, अमीन, ठीक है। और आपको अनसेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड, ठीक है। अब इसको ना याद कैसे करना है उसको देखें, याद करने का ना तरीका ये है इसका, कि कार में बैठे सलमान आने लगे, ठीक है ना, इसका ना पूरे का देखो, कार में बैठे बैठे सलमान, सलमान आने लगे, आने लगे, ठीक है, कहाँ तक आ गया, मतलब आपका आने लगे तक, है ना। उसके बाद क्या होगी, फलों की खुशबू, है ना, फलों की खुशबू ऐसे हेलाइडों पर पड़ी, है ना, फलों की खुशबू ऐसे हेलाइडों पर पड़ी, ऐसे हेलाइड्स, हेलाइड्स पर पड़ी कि अमरूद जहरीले हो गए, कि अमरूद जहरीले हो गए, कि अमरूद जहरीले हो गए, अमरूद जहरीले हो गए, ऐसे जहरीले हो गए, आगे लिखना है, ऐसे जहरीले हो गए, ऐसे जहरीले हुए हुए कि ऑल इन वन में, ऑल इन वन में एल्कोहल आने लगी, एल्कोहल की आमीन होने लगी, होने लगी। तो पूरा याद हो गया, कार में बैठे सलमान आने लगे, फलों की खुशबू ऐसे हेलाइट्स पर पड़ी कि अमरूद जहरीले हो गए, ऐसे जहरीले हुए कि ऑल इन वन में एल्कोहल की आमीन होने लगी, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला। उसके बाद जो सेकेंड आया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा यूजेज ऑफ कार्बन पूछा हुआ है दूसरा, कि यूजेज कार्बन के यूज क्या है करके, है ना, तो कार्बन के यूज बताते हैं। देखिए जी, यूजेज ऑफ कार्बन, है ना, यूजेज ऑफ कार्बन, ये ना आपको मैं बता देता हूँ, एक सबसे सिंपल सा यूज होता है, कई सारी रिएक्शन में ना ये मीडियम का काम करता है, मीडियम का काम करता है, मीडियम कैसे, अभी मान लो आपको पास ना सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे कोई आर लगा है, यहाँ पे भी कोई आर लगा है, यहाँ पे भी आर लगा है, यहाँ पे भी आर लगा है, और आपको ना इसको चेंज करना है, सी सिंगल बॉन्ड सी, पहले से दो आर लगे थे, एक हाइड्रोजन भी आ गया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ गया, पहले से ही दो आर लगे हुए थे, तो ये दो, जो दो हाइड्रोजन आए हैं इनको लाने में जो हेल्प करता है वो कार्बन करता है, कैसे, यहाँ पे लिया जाता है पी डी सी, और आपका उसके बाद लिया जाता है H2, यानी कि आपके पास ना पैलेडियम की ऐसी शीट होगी, इसमें ना कार्बन लगाया होगा, ऐसे कार्बन लगा होगा, और ऊपर से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को अटैच करवाया जाता है, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन गैस आ जाएगी यहाँ पे H2 H2, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे आएगी, और ये बाद में क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में लेके आएंगे, तो ये क्या, किसमें चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब आपका एल्कीन से एल्केन बनाने का जो तरीका है वो क्या है, बताओ आपको,
उसको क्या बोला जाता है, ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कार्बन का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना एक और क्वेश्चन है कि स्कम क्या होता है, इसको यहीं पे समझा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर स्कम, SCUM, स्कम क्या होता है? देखिए ये ना एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ये क्या है, जब ना कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट को ना साबुन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ना, व्हेन व्हेन सॉल्ट्स ऑफ Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव रिएक्ट्स विद सॉप, ठीक है ना। कैसे होता है उसको समझते हैं जी। देखना कि आपके पास ना मान लीजिए कोई एक चीज़ है, जैसे ना आप इसको ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास है हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। हार्ड वाटर के साथ जैसे मान लो आपके पास एक रिएक्शन है RC(OO) है ना, ONA, ये क्या है बताओ, साबुन है, सॉप है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हार्ड वाटर के साथ करवाएंगे तो हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, Ca2 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये जो Ca2 पॉजिटिव आया है, ये आया है आपका हार्ड वाटर से आया है। कहाँ से आया है, ये हार्ड वाटर से आया है। तो ये क्या बनाता है, देखो ये बना देता है RC(OO) है ना, ओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, और बाहर से कितने Ca2 पॉजिटिव लग जाएंगे। इसी को बोला जाता है स्कम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, SCUM, स्कम बोला जाता है। प्लस में क्या बन जाएगा आपका, NaCl बन जाएगा, यानी कि कुछ भी बनेगा यहाँ पे, NaCl हो सकता है, कुछ भी बनेगा यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि जब हार्ड वाटर के साथ, ठीक है ना, हार्ड वाटर के साथ हमें पता है ना, हार्ड वाटर के साथ साबुन काम नहीं करता है, तो वहाँ पे ये जो आपका ये वाला बनेगा ना, ये वाला जो पोर्शन बनेगा, ये PPT होगी, PPT होगी, कौन सी PPT बताओ, वाइट कलर की होगी। आप कभी ना कपड़े धोते टाइम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठंडे पानी में अक्सर ये देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट आया है उसका नाम है कि सर एक बात बताइए, ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, और सुनना, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में डिस्टिंग्विश कैसे लेंगे, यानी कि एक है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एक है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा है आपके पास एल्कोहल है। दोनों में एक्सपेरिमेंटली डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट करेंगे, तो समझें पहले। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RC(OO)OH होता है, और जो एल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है ROH होता है, ठीक है जी। अच्छा, एक क्या होता है बताया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या है आपका, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है आपका, एल्कोहल है, ठीक है। दरअसल ना जब कार्बोक्सिलिक एसिड को ना, एक एक्सपेरिमेंट होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को ना सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे ना एक चीज जनरेट होती है, उसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट्स, CO2 लिवरेट्स भी बोल सकते हो, लिवरेट्स। अब ना इसकी एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को सुनना, ये है आपके पास CH3C(OO)OH है, ये है आपका एसिटिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, देखो ये बनाता है आपका CH3 है ना, CH3C(OO)O- और Na+ बनाता है, ठीक है ना। और दूसरा ये बनाता है H2O है ना, H2O रिलीज होता है, और कौन सा गैस रिलीज होती है बताया, CO2 मेन है। अगर इस रिएक्शन को वैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाता है, और यहाँ पे भी कितना आ जाता है आपका, 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट करने की जो प्रोसेस है अल्कोहल से। लेकिन एक चीज़ है, अल्कोहल ना रिएक्ट नहीं करता है, ऐसी रिएक्शन में अल्कोहल का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आप ना ऐसे एक्सपेरिमेंटली इसको अलग कर सकते हो, लैब में पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, उसमें ना इसमें होगा क्या, जो लाइम वाटर होगा ना, लाइम वाटर को क्या कर देगा, CO2 की वजह से जो लाइम वाटर होगा वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक अगली वो आई है कि सर एक बार बताइए कि जो है आपका स्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या है ना, स्टरीफिकेशन रिएक्शन, समझते हैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन को, स्टरीफिकेशन रिएक्शन, स्टरीफिकेशन रिएक्शन। देखिए, फॉर्मेशन जिसमें ना एस्टर फॉर्म हो उसी को स्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे, मान लीजिए ना आपके पास RC डबल बॉन्ड OH है, ये क्या है बताओ, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसकी रिएक्शन ना एल्कोहल के साथ करवाई जाती है, ROH के साथ, और यहाँ पे ना R को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं डैश लगा रहा हूँ R के ऊपर, तो इसको बोला जाता है आप, ये जो प्रोसेस होगी, और यहाँ से आपका कुछ बनेगा, देखना यहाँ से आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड OOR, और ये डैश हो जाएगा प्लस H2O, ये क्या है बताओ, एस्टर है। क्या है ये, एस्टर है। तो फॉर्मेशन जिसमें एस्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, एस्टरीफिकेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर पूछा हुआ है सर ओलिफिन क्या होते हैं, ठीक है ना, ओलिफिन क्या होते हैं, तो ओलिफिन को यहीं पे समझा देते हैं। ओलिफिन क्या होते हैं, कुछ बच्चों की आई थी, देखिए ओलिफिन होते हैं ना आपके एल्कीन होते हैं। क्या होते हैं बताओ, एल्कीन। एल्कीन कौन होते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए उसी को क्या बोला जाता है, आपका एल्कीन बोला जाता है। और इसका एक दूसरा नाम होता है ओलिफिन, OLEFIN, ओलिफिन, ठीक है। फिर होता है मिसेल फॉर्मेशन के लिए, कि ये मिसेल फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है ना, इसको समझते हैं। मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल फॉर्मेशन, देखिए मिसेल फॉर्मेशन होने की ना एक बढ़िया सी क्या है प्रोसेस है, कि मिसेल कब फॉर्म होंगे कब नहीं होंगे, दो तीन चीज़ें इसके बारे में जान देते हैं, ठीक है ना। पहले तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो साबुन होता है ना, साबुन यानी कि सॉप होता है, सॉप, सॉप का जो नाम होता है मतलब केमिकल नेम होता है, वो होता है सोडियम, सोडियम इसका नाम होता है, ये जो आपका साबुन का नाम होता है सोडियम स्टेरेट, सोडियम, सोडियम स्टेरेट, STERATE। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C17H35 और C डबल बॉन्ड OO- और Na+। ठीक है, अभी अगर ना मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C17H35 और C डबल बॉन्ड OO- और Na+, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर ना C17 को बनाने जाए तो कुछ ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और यहाँ पर होगा 17, उसके बाद होगा आपका C डबल बॉन्ड OO- और Na+। अब एक बार बताओ, ये जो टोटल हिस्सा है यहाँ तक का, ये कौन सा होता है बताओ, नॉन पोलर होता है। ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब यहाँ पे कोई भी पोल जनरेट नहीं हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये जो पोल जनरेट अगर नहीं हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि अगर ये पोल जनरेट नहीं हुए हैं तो इसको नॉन पोलर, और यहाँ पे तो क्या है आपके Na+ भी है, O- भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पोलर होगा। क्या हो गया, पोलर होगा।
जब ना H2O के साथ ये आएगा, यानी कि इसको ना अगर H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये जो H2O होता है ये भी क्या होता है आपका, पोलर होता है। ये क्या होता है आपका, पोलर होता है, क्योंकि H होता है यहाँ पे डेल नेगेटिव नेगेटिव होता है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी क्या होता है डेल पॉजिटिव होता है। तो दरअसल करेगा क्या, ये वाला जो हिस्सा होगा ये कहीं ना रिएक्ट करना बंद कर देगा। रिएक्ट करना मतलब क्या हुआ कि देखो ये क्या करेगा, ये आपका बेसिकली क्या करेगा, जो आपके अंदर की तरह, अब देखो आपके पास ना कपड़ा होगा, जैसे कपड़ा है, क्लोथ है, ये मान लो क्लोथ है, क्लोथ के बीच में ना कोई ऑयल का पार्टिकल लगा है, ये क्या है बताओ, ऑयल है, ऑयल है। तो देखो ऑयल क्या होता है, नॉन पोलर होता है, क्या होता है नॉन पोलर होगा। अब होगा क्या ना इसमें, कि इसका जो नॉन पोलर का हिस्सा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर इसका नॉन पोलर का हिस्सा इससे जुड़ेगा तो इसका पोलर का हिस्सा किससे साथ जुड़ जाएगा, H2O के साथ जुड़ जाएगा। तो बनता क्या है उससे ना, एक ना स्ट्रक्चर बनता है, बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। कि मान लीजिए आपके पास ना बीच में एक है, बीच में आपके पास ना एक वो है ऐसे ना ऑयल है, ये आपका ऑयल आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, ये है आपका ऑयल, ठीक है, अभी के लिए ना इसको ऑयल मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या है आपके पास, इस ऑयल में कौन लगेगा बताओ, ऐसे करके C17H35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये हो जाएगा COO- और Na+, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, और आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और उसके बाद हो जाएगा C(O)-, और Na+। सेम टू सेम यहाँ पे भी, सेम टू सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि जो ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ इसका नॉन पोलर वाला हिस्सा होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, COO- और Na+, COO- और Na+, यहाँ पे भी COO- और Na+ हो जाएगा, COO- और Na+ होगा, COO- और Na+ होगा, COO- होगा, और Na क्या हो जाएगा पॉजिटिव, COO- Na+, सेम टू सेम हर जगह यही होगा। तो दरअसल करेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, ये जो पार्ट है ये क्या है नॉन पोलर, ये भी क्या है बताओ नॉन पोलर। तो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है, लाइक अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि नॉन पोलर नॉन पोलर को क्या करेगा बताओ, अट्रैक्ट करेगा और बाहर कर देगा, इसलिए आपका कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। और देखिए एक दूसरी चीज़ है ना, कि मिशेल फॉर्मेशन इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे ना अगर मिशेल फॉर्मेशन ना हो तो उस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लास्ट पूछा हुआ है एक बच्चे ने कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक चीज़ तो आपको पता है ना कि जो हीट होती है ना, हीट हीट हाई से लो की तरफ जाती है, हाई से लो की तरफ जाती है। तो दरअसल ना ऐसी प्रोसेस या ऐसी रिएक्शन है ना, रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जिसमें हीट क्या हो बताओ, हीट जनरेट हो, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक और है, उन्होंने पूछा कि होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है, अभी देखें आपको मैं बता देता हूँ। मान लो ना मैं एसीटोन का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो ये होता है CH3C(OCH3), ये जो है ना इसका नाम है एसीटोन होता है इसका नाम, और ये ना एक कीटोन होता है, क्या होता है ये कीटोन होता है। बेसिकली ना एसीटोन सबसे सिंपलेस्ट है ना, सिंपलेस्ट क्या होता है, कीटोन होता है, यानी कि इससे कम मेंबर वाले कार्बन के कोई भी कीटोन नहीं पाए जाते हैं। तो दरअसल अगर मैं इससे ना आगे की प्रोसेस करना चाहूँ, यानी कि इससे ज़्यादा नंबर के कार्बन में कीटोन बनाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, CH3C(O), यहाँ पे लेके आ जाऊँगा CH2CH3, यानी कि
आपकी जो सेकेंड मेंबर बन रही है इसके बाद, एसीटोन के बाद जो आपका ब्यूटेनॉन बन रहा है वो कौन से में बन रहा है, सी एच टू के इंसर्ट होने के बाद। तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जो सी एच टू से डिफ्रेंशिएट होती है एक दूसरे से, यानी कि इसमें सी एच टू होगा, इसमें नहीं है, अगले वाले में। अगर मैं अगला बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच टू, और क्या बनाऊंगा, सी एच थ्री, यानी कि अब कितने आ गए, सी एच टू दो आ गए। तो इसी को क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आएगा तो इसको ज़रा शेयर वेयर करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।